राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। अब सवाल है विभागों के बंटवारे का। शपथ ग्रहण के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि आखिर दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, कौन सा महकमा मिलने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए, इंतजार के बाद फिर इंतजार, मंत्री बने अब विभागों का इंतजार। प्रदेश में जब से भजनलाल सरकार बनी है काम सभी हो रहे हैं, लेकिन उसमें इंतजार का तड़का लगता है। आप पिछले पैटर्न को गौर करके देख सकते हैं, सीएम बनने से लेकर कैबिनेट गठन तक सब में सस्पेंस और इंतजार का दौर देखा गया। अब कैबिनेट का गठन हो गया है तो एक बार फिर विभागों के बंटवारे पर इंतजार का दौर शुरू हो चुका है। रविवार को पूरा दिन इसी इंतजार में गुजरा कि शायद छुट्टी के दिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। प्रदेश की सियासत में इंतजार और कयासों का जो तालमेल देखने को मिल रहा है, उसके दरमियान विभागों के बंटवारे पर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निगाहें उन मंत्रियों पर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पावरफुल महकमे दिए जाएंगे। इन सब में सबसे पहला नाम है दिया कुमारी का। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिया कुमारी को भजनलाल सरकार में बेहद खास विभाग दिया जा सकता है। कई जानकार तो उन्हें गृह मंत्री बनाने तक की चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं तो उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर इन दोनों महकमों को सीएम अपने पास रखते हैं तो फिर उन्हें कम से कम दो बड़े महकमे दिए जाएंगे, जिसमें से न केवल राजपूत समुदाय में मजबूत संदेश जाएगा बल्कि महिला वोटरों में भी उनकी पकड़ मजबूत हो सकेगी। अनुभव को देखते हुए यूडीएच जैसे महत्वपूर्ण महकमे भी उन्हें दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की, जो पहली बार मंत्री बने हैं। वो दूसरे ऐसे दलित विधायक हैं जो उप मुख्यमंत्री बने हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी दलितों के बीच अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस के कोर वोट में सेंध मारने के मकसद से दूसरी बार दूदू से चुनाव जीत कर आए प्रेमचंद बैरवा को महत्वपूर्ण विभाग मिलना तय है। लोकसभा चुनाव में दलितों को बीजेपी की ओर से ज्यादा नजदीक लाने के लिए भजनलाल सरकार बैरवा को पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे सकती है। राजस्थान कैबिनेट में शपथ लेने वाले 22 मंत्रियों में से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सबसे वरिष्ठ नेता हैं। वसुंधरा सरकार में भी वो मंत्री पद संभाल चुके हैं। जानकार मान रहे हैं कि उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय मिलना तय है। उसकी वजह है किरोड़ी लाल का MBBS होना। उनको ये महकमा इसलिए भी दिया जा सकता है क्योंकि गहलोत सरकार में परसादी लाल मीणा के पास ये विभाग था। पूर्वी राजस्थान के मीना वोटरों के बीच बीजेपी अपनी पैठ को और मजबूत बनाना चाहती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा डॉक्टर किरोड़ी लाल की पसंद भी बताया जा रहा है। अब बात आती है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र सरकार में युवा खेल के साथ प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं, इसलिए उन्हें भजनलाल सरकार अहम जिम्मेदारी दे सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भजनलाल सरकार फ्लैगशिप योजनाओं से जुड़े महकमों की जिम्मेदारी उन्हें दे सकती है। राज्यवर्धन टास्क मास्टर माने जाते हैं। बीजेपी में उन्हें यूथ आइकन माना जाता है, इसलिए सीएम भजनलाल राठौड़ को युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के साथ PHED दिया जा सकता है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में चल रहे प्रोजेक्ट पर सरकार की निगाहें हैं। कई मामलों में जांच चल रही है और हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना में कई तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे में राठौड़ को इस विभाग का जिम्मा दिया जा सकता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग भी राठौड़ को दिया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि सीएम उन्हें राजस्व जैसे महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी दे सकते हैं, पर इन सब के बीच महकमों का बंटवारा कब होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले मंत्री बनने का इंतजार और अब पोर्टफोलियो की प्रतीक्षा। भजनलाल सरकार में लगता नहीं कि अगले एक दो दिन में महकमों का बंटवारा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का अनुभव तो यही इशारा कर रहा है, मगर जो कद्दावर नेता है उनको महत्वपूर्ण विभाग मिलना तय है।
क्योंकि बीजेपी को सभी की सभी 25 सीटें जीतनी है लोकसभा चुनाव में, तो फिर बड़े नेताओं को अहम ओहदों से जरूर नवाजना तय है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और पोखरण विधायक महंत प्रताप पुरी का बाड़मेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हमीरपुर मठ में उनका पुष्प वर्षा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर मठ में देव दर्शन किए। इस मौके पर महंत प्रताप पुरी ने कहा कि मंत्री न बनना कोई दुख की बात नहीं, मैं मंत्रिमंडल के निर्णय से संतुष्ट हूँ और आने वाले 5 सालों में सब मिलकर प्रदेश का विकास करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि भारत को जब तक विश्व गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जिसके कारण सनातन धर्म का ये भगवाधारी सन्यासी राजस्थान की विधानसभा में पहली बार गया और मैं बस उन गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करता रहूं। जनता ने जो विश्वास मेरे में जताया है मैं उनके विश्वास को अक्षुण रखूं। जो मान सम्मान आप सब लोग दे रहे हो बस मैं आपका मान सम्मान बढ़ाऊं, यही मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं आभार पुनः करता हूं पोखरण की जनता का कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के मैं अकेला एक संत के रूप में उनके बीच में खड़ा हुआ था। आज मैं अकेला नहीं, पोखरण के लाखों लाखों जनता जो हम सबके साथ खड़ी है। रिकॉर्ड मतों से जीता या रिकॉर्ड मत डाले, ये पोखरण की जनता का जितना करे इतना धन्यवाद है। आज मैं मेरी इस जन्मभूमि और मेरी तपोभूमि जो तारात्रा मठ है उसकी शाखा ये हमीरपुरा के अंदर मेरे पूज्य मोहनपुर जी महाराज के कृपा पात्र गुरु महाराज के मेरे सगे गुरु भाई नारायणपुर जी महाराज, हमारे आदरणीय खुशालगिर जी महाराज बिराजे यहाँ दर्शन करने आया और यहाँ स्थानीय लोगों ने अनायास इतना अच्छा कार्यक्रम रखा तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। तो प्रदेश के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आज सुबह सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत सुबह 9:15 ही ज्वाइन करने के लिए सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय में गणेश मंदिर से दर्शन कर अपने काम की शुरुआत की। पद संभालने के बाद मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सीएम भजन लाल शर्मा के साथ डीजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उन पर भरोसा जताने के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में जो भी जरूरी फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन से काम किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र से निश्चित रूप से बेहतर समन्वय होगा और केंद्र सरकार पूरा सहयोग भी करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को ही सुधांशु पंत को रिलीव करते हुए केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं प्रदेश सरकार को लौटाई थी। रविवार को प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रदेश का नया मुख्य सचिव बना दिया था। सभी को नए साल की राम राम। प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने विश्वास करके इस पद का दायित्व मुझे सौंपा है। आज तो पहला दिन ही है, अभी मैंने औपचारिक रूप से कार्यभार भी नहीं संभाला, किंतु प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। पूरे प्रयास किए जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो भावना है और एक विकसित भारत बनाने की, उसके अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई होगी और राजस्थान भी एक विकसित भारत का, एक मजबूत विकसित राजस्थान का स्तंभ बनेगा। नए साल के पहले दिन सचिवालय में नौकरशाही की कमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने संभाली।
आज यहाँ पर पहुँच करके उन्होंने जो बातचीत की उसमें स्पष्ट मैसेज दिया कि आम जन की जो योजनाएं हैं उसमें कहीं भी दायरा घटाने की ओर फोकस नहीं होगा, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाएगा, केंद्र से बेहतर तालमेल मिला करके केंद्र की योजनाओं का बेहतर जो है लाभ जनता को मिल सकेगा, विकसित भारत से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री ने 100 दिन का टारगेट लिया है उसको लेकर के सही दिशा में काम करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल उन्होंने वित्तीय हालात पर कहा है कि अभी हालात को समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझ करके और बेहतर काम किया जा सकता है। राजस्थान में बहुत सी चुनौतियां यहां पर प्रशासनिक लिहाज से अगर देखा जाए तो मौजूद हैं। फिलहाल राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत ने जिम्मेदारी संभाली है। आज सीट पर जब वो पहुंचे तो अपनी सीट पर बैठने से पहले लंबे समय तक उन्होंने एक शुभ मुहूर्त का इंतजार किया, उसके बाद में राजस्थान की जिम्मेदारी संभाली। पहली बैठक उन्होंने बतौर मुख्य सचिव सीएम के साथ में राजस्थान डीजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर के अटेंड की। राजस्थान में बहुत सी चुनौतियाँ हैं, नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, ऐसे में सुधांशु पंत अगले 5 साल किस तरह से काम करेंगे इस पर जनता की नज़र भी रहेगी। अरबाज अहमद न्यूज 18 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में जयपुर से। तो वहीं नागौर जिले